So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in computer field. Students, we have given you lot many topics on computer on our both channels. हमारे दोनों channels पर आप हमारे बहुत से computer से related videos देख रहे हैं. PD classes और interview guide हमारे channels को आप enjoy कर रहे हैं. तो welcome Hina first of all. Yes. Hina, सबसे पहले तो आज मैं आपसे सारे questions हिंदी में पूछूंगा और मैं expect करूंगा आप हिंदी में हमें जवाब दीजिए. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि computer क्या होता है. सर, कंप्यूटर वैसे लोग समझते हैं कि एक सुपरमैन है, पर वो एक सुपरमैन नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. okay. जिसका उपयोग हमारे जो काम है उसको आसान करने के लिए बनाया गया है. right. और ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये इंग्लिश का एक वर्ड है कंप्यूट, जिसका अर्थ है गणना करना. तो वो एक मतलब कंप्यूटर एक यंत्र है. okay. और कंप्यूटर के कार्य बता सकते हैं आप कौन कौन से होते हैं? सर, कंप्यूटर जो है वो जो डाटा है अपना उसको प्रोसेसिंग करता है, डाटा को स्टोर करता है, डाटा को आउटपुट करता है. ओके, चलिए इसे डेटा बोले तो ज़्यादा सही है. कंप्यूटर के आधार पर आकार का वर्गीकरण कीजिए. सर, कंप्यूटर के वैसे तो बहुत आकार हैं. जिस तरह से इसको आकार का मतलब ये है कि जो इसके वो बहुत ज़्यादा जो से जैसे लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर. तो सबसे पहले अपने माइक्रो कंप्यूटर है, वह बहुत छोटा कंप्यूटर होता है आकार के अंदर. okay. और वैसे इसके अंदर एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं और इसकी जो कार्यशीलता गति है वो बहुत अधिक होती है. उसके बाद आता है PC, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं. जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसके अंदर अपन नेट कनेक्ट कर सकते हैं. इसका आकार छोटा होता है और इसके ऊपर एक टाइम में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है. और जो फिर आता है हमारा लैपटॉप जो होता है वो इसको हम कहीं भी जा सकते हैं, ये बहुत आसान होता है. हाँ जी, और क्योंकि ये आसान इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए जो अपना जो माउस होता है, लैप और कीबोर्ड होता है, CPU, वो साथ नहीं ले जाना पड़ता, वो इसके अंदर ही अपने को मिलता है. चलिए बताइए कि लॉजिक गेट का आशय स्पष्ट करिए. सर, जो अपने सिस्टम बने होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो तीन गेट से मिलके बनते हैं. वो फर्स्ट होता है एंड गेट, ओर गेट और नॉट गेट. okay. और इसके अंदर क्या होता है, जो एक या एक से अधिक जो गेट मिलाकर इनपुट मिलाकर हमको आउटपुट प्राप्त होता है, इसीलिए ये गेट का महत्व होता है इसमें. ओके, और प्रोग्रामिंग भाषा का अर्थ बता सकते हैं? यस सर, जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है ये कंप्यूटर को नियंत्रण चलाने के लिए का एक माध्यम होता है. ये कृत्रिम भाषा है जो हर कंप्यूटर के अंदर अपना जो काम है बिना रुके चल सके, इसलिए ये भाषा को उपयोग किया जाता है. ओके, हमने अपने स्टूडेंट्स को 50 वीडियोस हमारे चैनल्स पर दे रखी है सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि इंजीनियरिंग बेस्ड जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है उसके कम से कम हमने पूरी आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे चैनल्स पर. चलिए मुझे बताइए कि लोगो क्या होता है? सर, लोगो होता है ये कंप्यूटर भाषा को आसान बनाने के लिए लोगो डाला गया है. इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं. अदर जो अधिकतर इसका जो यूज़ है वो ड्राइंग एंड चित्रकला के लिए किया जाता है. ये एक त्रिकोणाकार में होता है जिसे टर्टल बोलते हैं. ओके, और हैकर क्या होता है? सर, हैकर होता है कि हमारी बिना इच्छा हमें बिना बताए हमारे कंप्यूटर से, हमारे फ़ोन या लैपटॉप से बिना गैर कानूनी क्रिया से जब हमारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है उसे हैकर बोलते हैं. और ई कॉमर्स का कार्य क्या होता है? सर, ई कॉमर्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है. ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसके अंदर एक व्यक्ति बिना कहीं जाए अपनी सेवा या जो भी हमें सामान परचेज करना है वो एक स्थान से इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है. ओके, और ई कॉमर्स के भाग कौन कौन से हैं? सर, ई कॉमर्स के तीन भाग होते हैं, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग और ई बिजनेस. ओके, और ई कॉमर्स के प्रकार बता सकते हैं? यस सर, इसके अंदर सर बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर मैं आपको कुछ प्रकार डिस्क्राइब कर पाऊंगी, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट. ओके, और ई कॉमर्स के लाभ पर प्रकाश डाल सकते हैं कुछ? यस सर, इसके तो जो लाभ है हम जितने बता सकें उतना ही कम है. तो जैसे क्या है कि हम इसको कहीं भी दिन के किसी भी टाइम में अपने इसका उपयोग कर सकते हैं. बिल्कुल. और ये बिल्कुल अपने जिसको नहीं जानते उससे और उस व्यक्ति से एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते. और ये जैसे अपने वैसे तो शॉप पर जाके अपने उस व्यक्ति को जानते हैं, पर ऐसा उसमें नहीं होता है. और इसके अंदर मोल भाग नहीं होता, बार्गेनिंग नहीं होती बिल्कुल भी. और जो सेलर है उसको अपने माल के रखरखाव की चिंता नहीं होती है.
इसलिए। और वायरस से सुरक्षा से क्या आशय आपका? सर, वायरस से सुरक्षा ये है कि अगर हम अपने इंटरनेट के माध्यम से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो जो हमारा कंप्यूटर या हमारा फ़ोन है उसमें वायरस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो डिटेल है पर्सनल वो कहीं और जा सकती है। और पासवर्ड क्या है? सर, पासवर्ड यह है कि एक गोपनीय कोड होता है जो कि हम अपनी इच्छा अनुसार किसी को बता भी सकते हैं, और जो हमारा जो वर्क है हम उसको स्टोर रख सकते हैं कि भाई ये किसी को ना पता चले, और ये जो है वो अल्फाबेटिक चिन्ह और संख्या के अंदर हो सकता है। और कंप्यूटर के इतिहास में एबिकस क्या है? सर, एबिकस तो आजकल छोटे बच्चों को भी करवाया जाता है, क्योंकि ये पुरानी जब हमारे ये कैलकुलेटर वगैरह नहीं थे तो इसका उपयोग होता था। इसके अंदर एक बॉक्स या फिर एक बोर्ड के अंदर वो बीट्स होती हैं, छोटी छोटी लकड़ी की होती हैं सर वो, उसके माध्यम से इसके अंदर गणना की जाती है, या एक चीन का आविष्कार था। स्क्रोल बार से आप क्या समझते हैं? सर, स्क्रोल बार ये कंप्यूटर के अंदर होता है कि हम अपने वर्किंग एरिया के अंदर किसी भी फोल्डर या फिर किसी भी फाइल को, फाइल की सूचना, टाइपिंग या फिर अपनी ड्राइंग को हम पुनः देख सकते हैं दोबारा। और इंटरनेट के उपयोग बता सकते हैं? सर, इंटरनेट के उपयोग तो बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। सर, जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे कोरोना वायरस था तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, लोग बिल्कुल फ्री थे तो उनका मनोरंजन का साधन था, बच्चों की पढ़ाई का वो सोर्स था सर इंटरनेट। सूचनाओं की खोज से क्या आशय आपका? सर, सूचनाओं की खोज से यह आशय है कि हमारे कंप्यूटर, हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी सिस्टम है, ऐप्स हैं जिसके अंदर हम कोई भी हमारी जो बुक्स, हमें कुछ पढ़ना है, लिखना है, मनोरंजन करना है तो हम उसको सूचना उससे ले सकते हैं। और ऑनलाइन खरीदारी क्या है? सर, ऑनलाइन खरीदिंग का तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जिसके अंदर हम बिना कहीं जाए अपनी जगह पर बैठे, अपने घर पर बैठे ही अपनी जो ऑनलाइन कोई भी वस्तु है या सामान अपने मंगवा सकते हैं। और ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? सर, ई लर्निंग होता है कि हम कहीं बिना क्लासरूम में जाए अपने घर बैठे कंप्यूटर का, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज या फिर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और मनोरंजन इंटरनेट के माध्यम पर प्रकाश डाल सकते हैं थोड़ा और? यस सर, मनोरंजन इंटरनेट जो होती हैं वो मतलब आज के टाइम में बच्चे गेम खेलते हैं और जो पढ़ाई करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं वर्क करते हुए, तो वो आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है और इससे वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है काफ़ी। yes, ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम। यस सर। अपलोड से आशय बताइए। सर, अपलोड क्या होता है कि एक स्थानीय कंप्यूटर, मतलब कि जो जहाँ पर स्थित है कंप्यूटर, उससे दूर स्थित कंप्यूटर के अंदर डाटा स्थानांतरण करने की जो क्रिया होती है उसको अपलोड बोलते हैं। ओके, और सर्वर से तात्पर्य क्या होता है? सर, सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है, मतलब कि ये कंप्यूटर का हेड होता है जिसे जो ये डाटा प्रोसेसिंग की क्रिया होती है, ये जो नेटवर्क होता है वो इसके अंडर में होता है। ओके, अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या है? सर, मेरी हॉबीज़ है कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है और कहीं घूमने जाना अच्छा लगता है। और आपकी स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या आपके अंदर? मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं घुल मिल जाती हूँ, मैं एक होनेस्ट गर्ल हूँ क्योंकि मेरे को ईमानदार रहना अच्छा लगता है, मैं अपना काम हर परफेक्ट तरीके से करती हूँ। ओके, और आपकी वीकनेस क्या है? सर, मेरी वीकनेस पॉइंट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। ओके, यस सर। तो यू आर लिटिल टॉकेटिव। यस सर। ओके, चलिए, ई वाणिज्य भुगतान प्रणाली क्या है? सर, ई वाणिज्य भुगतान प्रणाली यह होती है कि हमें बिना कागज का रसीद दिए हुए हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपने जो पे है वो कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो इंटरनेट वेब से हो सकती है। आपने कंप्यूटर की तरफ क्यों रुझान बनाया? बिकॉज सर, मेरे को इस पर वर्किंग करना अच्छा लगता है। ओके, इसीलिए सर। आपको पसंद है कंप्यूटर पे वर्क करना? यस सर, यस सर। चलिए, सो नाइस। आई होप स्टूडेंट्स कि हमारे अबंडेंट ऑफ वीडियोस आप एंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, इंटरव्यूज। तो होप ये सेशन भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। कीप इट अप, बहुत बढ़िया, शाबाश।